वैसे ये पाँव नीचे नहीं रखता, बस ऐसे बस ऊपर ही रहता है जी जी जमीन के ऊपर। पहली बार हमारे पास फ्रूट पांडा वाले पहुंचे घर पर। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने जमान में रखे। आज हमारे लिए जो है अफतारी के लिए और सहरी के लिए जो है गिफ्ट आए, कहाँ से है मैं आपको बताती हूँ आगे चल के इंशाल्लाह। वैसे आप सबको काफ़ी हद तक पता भी चल गया होगा, तो ये इतना सारा सामान जो है अफतारी और सहरी का, ये देखें, पहली बार जो है हमारे घर पर ही पूरा इतना पार्सल आया। वरना तो शाम से ठीक होते थे तो रोड तक जाते थे लेने के लिए, फूड पांडे वाला जब आता था ना तो रोड तक। अब मुझसे इतना सारा सामान उठाया नहीं जा रहा, तो इसको आस्ता आस्ता करके जो है किचन में लेके चलते हैं जी। उठाया भी नहीं जा रहा है ना, माशाल्लाह से भारी है ना बहुत ज़्यादा। तो ये माशाल्लाह से इतना सारा सामान जो है किसने भेजा है? ये अंबर आप ही ने भेजा है। पहले तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा खुश और आबाद रखे। उनके वालदेन की अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, उनकी रोज़ी रिजक में बरकत दे। दिल से बहुत सारी उनके लिए दुआएँ निकल रही हैं और आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा और उनके लिए आमीन आप सब ने कर देना है। अल्लाह ताला उनको जो है कभी किसी का मोहताज ना करे, अपने सामान में रखे उनकी पूरी फैमिली समेत, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी किसी का मोहताज ना करे। दिल से सबके लिए मेरी दुआएं निकलती हैं। उस टाइम जब ये पार्सल आया था तब जहर का टाइम था, तो नमाज मैंने कहा पहले अदा कर लेते हैं फिर बाद में जो है ना इसको ओपन करते हैं। सामान वगैरह मैंने खोला नहीं है, वैसे का वैसे रखा हुआ है। अभी इसको सारा मैं खोल लेती हूँ और जो है फ्रीजन कर देती हूँ, क्योंकि फ्रीजन का सामान है, फिर फ्रिज में रख देती हूँ सामान और बाकी जो है ना फिर अफ्तारी के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम हो ही जाता है, करते कुरते जो है फिर अफ्तारी का टाइम भी हो जाता है। इसलिए जो है फिर इसी में से ही कुछ बनाएंगे अफ्तारी के लिए जो है ना, एक सारा कुछ अफ्तारी के लिए और उन्होंने सहरी के लिए जो भेजा ही है तो इसी में से बनाएंगे। तो सब कुछ इंशाल्लाह वो आप सबके साथ में शेयर करती रहूंगी। और जो चैनल पर नए आने वाले तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप सबकी जो है सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम जो है एहतशाम की जो तबीयत है, कंडीशन है ना, तो वीडियो बनाना जो है हमारे लिए नामुमकिन हुआ हुआ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। और दूसरा ये कि फिर रमज़ान शरीफ भी माशाल्लाह से आ गई, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोज़े रखने की सेहत वाली ज़िंदगी के साथ, क्योंकि सेहत अच्छी है तो फिर रोज़े भी रखे जाएंगे। या शाम को जो है ना वो खुद भी इतने बेचैन होते कि मैं रोज़ा रखूं, तो मैं कहती हूँ नहीं रोज़ा रखने। अभी आप मेडिसिन भी ले रहे हैं प्रॉपर जो है ना, इन्होंने मेडिसिन भी लेनी है, अभी इनके टाँके भी नहीं खुले, तो इनशाला जो है ना टाँके खुलेंगे ना तो फिर इनशाला ये जो है रोज़ा रखेंगे। तो बस आप सब ने हमें दुआओं में याद रखना है और एहतशाम के लिए ढेरों दुआएं करनी है इस रमज़ान शरीफ में। अल्लाह ताला सबको जो है रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक दे। और ये बहुत नेमत है हमें जो है ना ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, और इस साल का जो है रमज़ान शरीफ जो है हम अदा कर रहे हैं माशाल्लाह से, रोज़े रखेंगे और ये बहुत एक नेमत है, बड़ी नेमत है ज़िंदगी की भी और सेहत वाली ज़िंदगी के साथ। तो अभी जो है मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। अफ्तारी का टाइम जो आता है ना वो पता भी नहीं लगता जो है ना अफ्तारी का टाइम आ जाता है। तो माशाल्लाह से जो है अभी मैं सारा कुछ खोल लेती हूँ इनको। सारा सामान जो है मैंने ओपन कर लिया है और अब इसको जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ। मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ थोड़ा वीडियो में, क्योंकि मैंने इनको शॉपर में से जो है निकाल लिया है। सामान मैंने सारा फ्रीज कर दिए और मैंने हांडी बनाना स्टार्ट कर दी है। मैं सालन में क्या बना रही हूँ, सालन में मैं बना रही हूँ कोफ्ते आलू। तो मैंने कोफ्ते जो है वो निकाल लिए हैं और साथ में जो है मैंने कहा इसमें आलू भी डालते हैं। तो भी मिसाला वगैरह जो है मैं ये भून रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं पकौड़ा का सामान जो है वो भी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है, पता भी नहीं लगता इस वजह से। और साथ साथ जो है ना वो भी बनता रहेगा सालन भी, और यहाँ पर जो है पकौड़े का सामान भी बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो ये टाइम एक सिर्फ मेरा जल्दबाजी का नहीं होता, सबका ही होता है। सब लेडीज जो होती है ना किचन की, तो वो यही होता है कि उनको जल्दी जल्दी होती है कि जल्दी से टाइम से जो है अफ्तारी हमारी बन जाए।
अच्छा जी, अभी इतनी कोई बड़ी परेशानी बन गई, वो परेशानी क्या बनी? अजान को लेने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि जो है असद भाई काम से गए हुए हैं, तो वो जो है उनको लेट हो जाएगी आते आते, और अजान वहाँ पर फ्री हो गया पढ़कर, तो भी सामने वालों को बुलाया उनके बच्चों को, तो फिर हमने कहा कि बाइक को चला लेते हैं, तो ये बेचारे बच्चे आ गए हैं, अभी ये अजान को लेने के लिए जाएंगे, शायद उधर से जो है अम्मी को लेंगे, क्योंकि अम्मी को पता है ट्यूशन अजान का कहाँ पर है, अम्मी को उठाते हैं और फिर जो है ना अजान को वहाँ से लेकर आते हैं, तो ये बड़ी परेशानी बन गई मुझे आज सबसे ज्यादा जो है ना टेंशन इसी चीज की हुई कि क्या कैसा होगा क्या होगा, कब से यही सोची जा रही हूँ कैसे लेकर आएंगे। असद भाई मैंने कहा आ जाएंगे, लेकिन असद भाई जो है ना वो थोड़ा काम में फंस गए हैं, तो इसलिए वो वहाँ से वो निकल नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से जो है ना कोशिश करो कि अजान को वहाँ से बुलवा लो, तो अभी जो है इनकी बड़ी मेहरबानी है, जो ये बच्चे आ गए, जाओ बेटा जाओ स्टैंड उठा लेना, जुबैर स्टैंड उठा लो, अम्मी मेरी को लेके जाना बेटा। चलें, ये शुक्र है कि टेंशन ये खत्म हुई, बस खैर खैरियत से जो है ये बच्चे लेकर आ जाएं। अच्छा जी, मैं पकोड़े बना रही हूँ गोभी आलू और प्याज के। ये जो फूल वाली गोभी होती है ना, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि पालक तो है नहीं, तो इसी तरह से करती हूँ, गोभी रखी हुई थी तो मैंने कहा गोभी इसमें ऐड करती हूँ। गोभी के वैसे पकौड़े मज़े के बनते हैं, तो इसका जायका और अच्छा हो जाता है। बैंगन नहीं है, नहीं तो मैं बैंगन भी इसमें ऐड करती। चलें खैर कोई बात नहीं, कभी और दिन बना लेंगे, लेकिन इससे जो है ना बहुत अच्छा जायका लगेगा। तो मैं पकौड़े का यहाँ पर सामान बना रही हूँ, वहाँ पर मेरा आंटी जो है ना वो भी तैयार होने वाली है, बस फिर मैं पकौड़े बनाना शुरू हो जाऊँगी। और समोसे तो वैसे ही रेडीमेड है, उनको तो फिर पकोड़े बनाने के बाद फ्राई कर लूँगी। मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया था और पकोड़े भी मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, तो कुछ जगह है यहाँ पर खाली, तो मैं उसमें भी जो है मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, एक हाथ से जो है मैंने मोबाइल उठाया हुआ है और दूसरे हाथ से चम्मच मैंने उठाया हुआ है। इसी तरह से होगा काम। अभी सबके घर पे जो है इफ्तारी बन रही होगी, और जब तक मेरी वीडियो पहुंचेगी तब तक जो है रोज़ा भी इफ्तार सबका हो गया होगा। आज पे इतनी परेशानी बनी है ना बहुत ज़्यादा, अजान को लेकर आए ट्यूशन से, वो बच्चा घर चले गया, अब दूसरे बच्चे को पकड़ा है, तो अब गैस भरवाने के लिए जा रहे हैं, गैस ख़त्म हो गई अभी अभी, बस ये परेशानी बन गई। आज तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गई है, मेरे पकोड़े अधूरे रह गए, आपके बगैर जो है ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी घर हमारा पूरा है, बस हमारा घर पूरा जो है ना बस इसी तरह से भी चल रही है, बस यही मैं इसलिए कहती हूँ अल्लाह ताला बस कभी किसी का मोहताज ना करे। आज मेरे भाईजान भी जो है वो भी काम के सिलसिले में काम से गए हुए हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर फंस गए, बस असद भाई वैसे हमारा काम वगैरह कर देते हैं, तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन बन गई है। एहत शाम को भी आज बहुत ज़्यादा पाँव लटकाना पड़ गया, आपको दर्द ना हो जाए मैं बंद कर दूँगी, आप आ जाएं मैं बंद कर दूँगी। वैसे ये पाँव नीचे नहीं रखता, ऐसे बस ऊपर ही रहता है। जी, ये पाँव अभी ज़मीन पे नहीं टेक सकते, इस तरह से एक पाँव से चलते हैं। पकोड़े बना ही रही थी, ये देखें इतने बन गए पकोड़े, इतना रह गए, और बस सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया, सिलेंडर भर कर आता है ना, तो फिर जो है हम पकोड़े बनाते हैं, तब तक मैंने कहा मैं फ्रूट वगैरह जो है ये बना लेती हूँ, शरबत जो है ये भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक गैस आया नहीं है, तब तक जो है मैंने कहा दूसरे काम निकाल लेते हैं। फ्रूट मैंने यहाँ पर बना लिया, और सेब अभी मैंने नहीं काटा क्योंकि वो काला हो जाएगा ना, तो इस वजह से, तो वो मैं बाद में फिर बना लूँगी। लगता है आ गए। सिलेंडर आ गया था और मैंने पकोड़े भी बना लिए, अब मैं बनाने लगी हूँ समोसे। समोसों की पैकिंग कुछ इस तरह से थी, तो अभी समोसे निकालते हैं और समोसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजे का सामान दे दिया कर सबको, अब रोजा खुलेगा तो कर सब खाएंगे। मस्जिद के लिए ये आए हैं आयत वगैरह, ये देखिए जी,
बच्चे ने कहा आपको मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो भी बना लो। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अफ्तारी कर ली थी और बस टाइम जल्दी हो गया था ना, तो इस वजह से हमने फिर वीडियो नहीं बनाई और अफ्तारी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का, तीसरा रोज़ा जो है आज हो गया और बस इसी तरह से जो है ना रोज़े गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बाकी आज हमें बहुत ज़्यादा टेंशन यही बनी, गैस ख़त्म हो गया, फिर अज़ान की टेंशन, अज़ान को लेने के लिए मसला। और उधर से जो है ना कि हमें असद भाई नहीं थे, मेरे अब्बू तो घर पे थे अपने, तो लेकिन अब्बू मेरे को बाइक चलाना आती नहीं, नहीं तो अब्बू मेरे चले जाते, बस यही परेशानी। अभी मैं शाम से यहाँ पे बैठ के यही कह रही थी कि ना मैं जो है ना बाइक चलाना सीख लेती हूँ, ये होगा कि अब मतलब कब तक इस तरह से करेंगे, मैं खुद ही चले जाया करूंगी लेने के लिए अजान को, या कोई बाहर का काम वगैरह हो तो मैं खुद कर लूंगी, कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से यही कह रही थी। अब शाम कह रहे नहीं मैं इसके ऊपर जो है ना वो वाले पहियों जो होते हैं ना वो लगवा लूंगा, तो अभी तो इनको तो टाइम है, ये तो अपनी तरफ से तो कहेंगे कि मैं अभी जो है ना उठ जाऊंगा ईद तक जो है ना मैं बाइक चला सकूंगा, लेकिन सब कह रहे हैं कि शाम अभी बाइक नहीं चला सकते, तो बस अपनी तरफ से ही बस कहते रहते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे। बस आपने आप सबने दुआओं में मुझे याद रखना है। अभी भी इस टाइम है तो शाम को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ये जो है ना, क्योंकि 2 से 3 बार इनको जाना पड़ा ना बाहर और अंदर इस वजह से। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बस मैंने फ़ोन किया ना तो अबू जी को भी वो भी आ गए और अम्मी जी भी वो भी आ गए, कि मैंने कहा हमें इतनी परेशानी हुई वो बेचारे आ गए, लेकिन यही है ना कि अबू को भी बाइक चलानी है। अबू कह रहे हैं मुझे बताती तो सही, मैं खुद चले जाता रिक्शे पे लेने के लिए चले जाता, तो बस उस टाइम जहन में भी नहीं आया अबू का कि भाई अबू को हम इस तरह से भेज देते। चलें खैर, अजान तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच के, बाकी अल्लाह हाफिज़।